Hello guys, welcome to the channel Joy Jagannath. Day 8 of our North East ride. और अभी हम लोग हैं दिरांग में. थोड़ा सा दिरांग आपको दिखा देता हूँ. ये है दिरांग. सो यहाँ से जो तवांग है, तवांग ज़्यादा दूर नहीं है. तवांग कितना दूर है आशीष? 100 something किलोमीटर. 140 होगा ये. तवांग यहाँ से तो आज हमारा प्लान है कि आज हम तवांग में रुकेंगे. कल भी तवांग में रुकेंगे. तवांग में जो भी है कल वो साइट सीन वगैरह करेंगे. और यहाँ से और 194 मतलब लगभग 200 किलोमीटर है. 6 घंटे. 200 किलोमीटर को 6 घंटे दिखा रहा है जी. 6 घंटा चक्कर मार मार के जाएंगे. मज़ा आ रहा है. रोड अच्छा है ये सब. हेलो मेरे बाप रे. घूम 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 के जाएंगे. और रास्ते में आएगा सेला पास, एक नॉन पास है अरुणाचल में, सेला पास बोलते हैं. बाकी मौसम बहुत ही बढ़िया. अभी रात को कल टेम्परेचर 9-8 डिग्री चला गया था. अभी भी ठंडी हवाएं वो जो है वो चल रही है. हम लोग लेकिन अभी तक रेडी नहीं हुए. आधे घंटे तक रेडी होंगे और निकल जाएंगे तवांग के लिए. रूम कल तो मैं दिखाया था, फिर भी अभी दिखा देता हूँ. ये ऐसा रूम है और रूम का प्राइस है 2,500 रुपीज़ पर नाइट. तो ये है होटल 7-Eleven. यहाँ पे रुके थे. पार्किंग के लिए यहाँ पे बढ़िया जगह है. यहाँ पे पार्क कर सकते हो अपने बाइक. पहले पेट्रोल फुल अप करेंगे क्योंकि तवांग दिरांग से तवांग के अंदर कोई पेट्रोल फुल पंप नहीं है. एंड यहाँ से 140 किलोमीटर अभी दिखा रहा है. सुबह हम लोग देख रहे थे 180 के आसपास दिखा रहा था. सुमन अभी मैप शेड किया था, उसमें 140 दिखा रहा है. ये है दिरांग मार्केट. बाप रे क्या ट्रैफिक है. रैप्टिन हेलमेट चाहिए. 40 से 45 मिनट हमको लग गए यहाँ पे तेल डालने के लिए क्योंकि आप देख सकते हो काफी भीड़ है. और ऊपर से कोई टैंकर फुल कर रहा है 20,000 रुपये का डीजल. हाँ हाँ हिल रहा बहुत ज़ोर से. पीछे का टॉप बॉक्स बहुत ज़ोर से हिल रहा है. टॉप बॉक्स टूटा था आशीष का, वो वापस फिर ग्रुप से निकल गए हैं. तो फिर हमारे जुगाड़ू बाबा नायलन का वायर लेके यहाँ पे ऐसे बांध रहे जाके ये ना हिले. और सेला टॉप है 30 किलोमीटर. अभी हम लोग हैं सेंगेई. सेंगेई में
रोड अभी तक बहुत ही बढ़िया बढ़िया। लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हो ये वैली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। रेन जैकेट पहन लिया क्योंकि बहुत ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, तो रेन जैकेट क्या करता है, बारिश से तो बचाता ही है, ऊपर से आपका हवा काट देता है तो उससे ठंड कम लगता है। सेला पास यहाँ से और 17-18 किलोमीटर से लग रहा है, ऊपर से देखने से लग रहा है कि वहाँ पे तो हालत और बिगड़ जाएगा। इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरा में शायद दिखाई दे रहा होगा लेकिन रियलाइज में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक साइक्लिस्ट भैया जा रहे हैं, भैया कहाँ जा रहे हो, एमपी से साइकिल में, अरे बहुत अच्छे, क्या नाम है आपका, मेहुल, मेहुल भाई कहते, तवांग पहुँच रहे हो आज, ठीक है मिलेंगे तवांग में, आइए आइए, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, मानना पड़ेगा एमपी से साइकिलिंग करके जा रहे हैं और ये जो चढ़ाई है मानना पड़ेगा इस ठंड में, भाई मैं तो सोच भी नहीं सकता। बस अनदर 4 किलोमीटर्स और कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कैमरा था पहुँच देता हूँ। अभी क्लियर हुआ देख, अबे देख, ये वीडियो का ट्रांजिशन बहुत अच्छा आएगा ऐसे फॉग से निकल के। आगे और फॉग है अभी पूरा धूप, ये तो गायब हो जाए मेरे भाई, गायब हो जाए, गायब हो जाए, ए देखो गायब हो जाएगा अभी वो, देखो कैसे गायब हो रहा है। आगे जा, ये शायद सेला पास है, वहाँ पे दिख रहा है सेला पास और हल्का हल्का बर्फ भी है यहाँ पे, और ये बहुत है, पागल है क्या, कुछ नहीं है। और नीचे आप देख सकते हो ये क्लाउड जो है नीचे है, ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है। ए तू पोल के पास क्यों रखा यार, थोड़ा पीछे, तो पीछे थोड़ा पीछे आना। सेला पास, सेला 1 किलोमीटर और बर्फ, ये रोड के बगल में थोड़ा बहुत बर्फ देखने के लिए मिल गया। तू कहाँ है चिचिन, चिचिन यहाँ पे कुछ चाय वाय का दुकान नहीं है, गेट के सामने चल ना, गेट के सामने वो लोग भी आ रहे हैं, चल सेला पास, कौन सा वाला, ओह पूरा फ्रेंड, वेलकम टू तवांग,
वेलकम टू सेला 13,700 फीट। गाड़ी कहाँ लगाएंगे? ऊपर उठा देता हूँ मैं। ओ बाप रे, नीचे एक लेक है क्या? ये है सेला पास। छोटा सा लेक भी है यहाँ पे। मतलब अलग लेवल का ठंड। हाँ गुप्ता, वो कैसा लग रहा है? बढ़िया। आई चीनी, थैंक यू। स्नोफॉल हो रहा है, अब तेज हो रहा है। अरे छोटा सा लेक है। ये है सेला पास। ये है सेला पास। सेला पास, सेला पास। बाइक स्टार्ट हो गया। स्टार्ट नहीं हो रहा था लेकिन अब हो गया। लो टेम्परेचर है ना शायद, इसलिए। हाँ, यहाँ पे देखता हूँ मेरा स्टार्ट होता है कि नहीं। हो जाएगा, मेरा भी दिखा रहा था, कॉशन दिखा रहा था। हल्की। हाँ हाँ, चलो Let's go. इस लेक का नाम है सेला लेक। ये पूरा एकदम पूरा ये हो जाता होगा, नहीं फ्रोज होता होगा पूरा, एकदम आइस हो जाता होगा। मतलब इतना अभी यहाँ पे दिखा रहा है 4 degrees। ये डैम जैसा है, देख आगे इसको पानी को। ये डैम है एक्चुअली, मेरा भी वही दिखा रहा है स्नो। मेरे गाड़ी में दिखा रहा है कॉशन लो एयर टेम्परेचर रिस्क ऑफ सरफेस आइस। रोड थोड़ा खराब है। आजा चल। वाओ नाइस, सो ब्यूटीफुल। रोड खराब है क्या? क्या व्यू है, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। उस तरफ हम उसी तरफ ही जाएंगे शायद, क्योंकि वहाँ से भी ये रोड सब दिख रहा है। यहाँ से नीचे से होके, इससे होके, इससे होके ऊपर चढ़ेंगे। वहाँ पे एक वाटरफॉल भी दिख रहा है, फोटो ले लेंगे फोन में। मेघालय मिला था ना, ये दिरांग को मिला था ना? अरे अरे हाँ। हेलो, ठंड फील हो रहा है? आप लोग के लिए ज्यादा हो रहा होगा। एक क्षण, क्या हुआ? आप लोग के लिए ज्यादा हो रहा होगा। हम लोग भाई 44 degrees से इधर आए हैं, तो हमको तो बहुत लग रहा है।
हाँ हम लोग का यहाँ पे अभी 44 डिग्री चल रहा है। बढ़िया व्यू है ना। मैं भी ले लिया, मैंने भी आप लोगों का वीडियो ले लिया है, ब्लॉग में आएगा। ठीक है, ये वाला चैनल है, ठीक है, देख लो। हम लोग को बाईपास कर रहे हैं, लोग एक जगह का नाम है लोग, उसको बाईपास कर रहे हैं। और तवांग यहाँ से आई गेस 40 किलोमीटर होगा, कितना है, 38-40 किलोमीटर कुछ होगा। और दो रास्ता है, एक ऊपर से भी उधर से जाता है, वो थोड़ा लंबा पड़ता है, और ट्रक्स वर्क उधर से ही सब जाते हैं, और ये वाला रोड में सब टूरिस्ट गाड़ी जितना है सब इधर से ही जाते हैं। तो रोड भी अच्छा है, जैसे कि हम लोग पूछे कि रोड कैसा है। जगह का नाम है शायद जैंग, जैंग है शायद इस जगह का नाम, जैंग है ना, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ से जो व्यू है वो ज़बरदस्त है, आगे आप देख सकते हो, बढ़िया ज़बरदस्त लगा आज का डे, बढ़िया था, हाँ मज़ा आ गया आज। आज एक्चुअली जितने दिन हम लोग राइड किए आज का दिन मतलब सबसे बेस्ट था आज का दिन, मतलब टिल नाउ जो रोड था बहुत ही ज़बरदस्त, व्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त, बर्फ़ भी देखने के लिए मिला, और जितने भी सारे विंटर वेयर्स है वो सब यूज़ करने का एक मौका मिला। ख़राब पैच देखने के बाद मेरा टायर का कंडीशन ठीक नहीं है, वही तो बोला था मैंने लास्ट कम्स यू। ऊपर जाना है ना, अरे पूछ ले पूछ ले पूछ ले, तवांग लेफ्ट लिखा है रे भाई, वेलकम टू ईस्ट तवांग राइट, ओके वेलकम, फिर भी आगे पूछ लेंगे, वो बंदा है सामने है उसको जगह पूछता हूँ, रुक जा। 18 किलोमीटर ऊपर है, ऊपर कितना मस्त लग रहा है। वेलकम टू तवांग सिटी, बहुत बड़ा सिटी है वे, ये बॉम्बडीला का 4 गुना होगा, 4 नहीं 10 गुना होगा। बड़ा बढ़िया जगह में दिया है, बड़ा बाजार एरिया में, यही होटल है ना राइड वाला, गाड़ी तो ऐसे ही रोड पे सब लोग रखे हैं। एड़ा एड़ा जाना रख दे, थोड़ा आगे आया था यहाँ पे एक एयरटेल का सिम लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जियो काम नहीं करा, तो एक सिम ले लिया। बाकी ये भाई लोग मिल गए नया सब्सक्राइबर, हेलो मिलेंगे फिर, ठीक है। एयरटेल का स्टोर था तो मैंने सिम ले लिया, ताकि 2 दिन यहाँ पे हमारे वैसे भी स्टे करना है, और मेरे पास कोई एयरटेल सिम भी नहीं है, तो एक सिम मुझे एयरटेल का रखना चाहिए, तो इसलिए एक सिम ले लिया, और बढ़िया नंबर भी है 92, उसके बाद मैं बोलूँगा नहीं। तवांग आ रहे हो तो जियो यहाँ पे नहीं पकड़ता है, एयरटेल का सिम लेके आना। हम
लोग आके रुके हैं, होटल का नाम मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिख दूंगा। और बढ़िया आज टाइमिंग भी था, मतलब 6 घंटा दिखा रहा था लेकिन हम लोग 4-5 घंटे में पहुँच गए थे। और बीच में आया था सेला पास, जो कि यहाँ का सबसे अरुणाचल का सबसे हाईएस्ट पास है, शायद मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि हाईएस्ट पास है तवांग तक आने के लिए। और कल हम लोग जाएंगे बुमला ऐसा कुछ एक पास है, वहाँ पे जाएंगे। और माधुरी लेक पुल की एक जगह है, वहाँ पे जाने का प्लान है। तो पास वगैरह का वो देखना पड़ेगा वो क्या है, ये मतलब तुरंत अगर मिल जाता है पास तो कल ही चले जाएंगे, नहीं तो परसों जाएंगे। बाकी गुप्ता यहाँ पे सो रहे हैं। गुप्ता ठंड कैसा है? बहुत ठंड है। ठंड है ना? अभी 6 बजे यहाँ पे का जो टेम्परेचर है बहुत ठंड है, बहुत ठंड है ना। सो मज़ा तो बहुत हमको आ रहा है अभी फाइनली, थोड़ा मतलब ऐसे ठंडे वेदर में हम लोग आए। अभी 2-3 दिन यहाँ पे रुकेंगे, आराम से चिल मारेंगे फिर जाएंगे। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, राइट से राइट विद।